पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने खड़ीपुर पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ता मृतक मोरपाल की मौत पर शोक संवेदनाएं जताते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान भाजपा नेता रुपेश शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल एवं एसटी मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच दुर्गालाल मीना सहित परिवारजन व कार्यकर्ताओं के सामने परिवार को संबल देते हुए मृतक मोरपाल की संतानों की शिक्षा व विवाह सहित संपूर्ण जिम्मेदारी ली व परिवारजनों के साथ हर संभव खड़े रहे हेतु राजे ने भरोसा दिया। इस दौरान डाबी बरड़ क्षेत्र के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता सहित आमजन मौजूद रहे। गौरतलब है कि पिछले दिनों कोटा में आयोजित हुई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की विशाल जनसभा से लौटते हुए दुर्घटना में भाजपा कार्यकर्ता मोरपाल की मौत हो गई। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने मृतक के घर खड़ीपुर डाबी पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर गुरुवार को राजे बूंदी के खड़ीपुर पहुंची थी। उनकी बिटिया लालीबाई 14 वर्ष और गायत्री 16 वर्ष, 12वीं कक्षा में लाली पढ़ रही है और गायत्री फर्स्ट ईयर में, और पुत्र बलराम सामने बैठे हैं। इनके शिक्षा से लेकर विवाह से लेकर एफडी से लेकर समस्त जिम्मेदारी भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल और मैं, हम दोनों समस्त दायित्व निभाए। मैम भी रहेगी इसमें, मैम का भी विवाह समारोह में मैम सब उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा भी अगर किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो तो हम सब लोग पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। ठीक है ना, सारी व्यवस्था पढ़ाई करनी है, शादी के समय पूरी शादी का खर्चा उठाएंगे दोनों बेटियों।